यूनान देश में एक बादशाह का राज था। बादशाह बहुत ही नेक दिल और विद्वान था। वह बुद्धिमान व्यक्तियों और हकीमों का बड़ा ही आदर करता था। वह खुद भी कई बातों का जानकार था और विद्वान था, इसीलिए वो विद्वानों की बड़ी ही कद्र करता था। उसे अच्छी अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें लिखवाने और उन्हें एक किताब के रूप में अपने पुस्तकालय में रखने का बड़ा ही शौक था। 10 वर्ष के अपने राज में उसने सैकड़ों किताबें जमा कर ली थी। वो अपने पुस्तकालय में जब भी जाता तो बहुत ही खुश होता था। बादशाह एक दिन अपने पुस्तकालय में था कि उसे ख्याल आया कि उसके पुस्तकालय में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें मनुष्य के शरीर की सारी बीमारियों की जानकारी और उनका इलाज बताया गया हो। उसने फैसला किया कि वो एक ऐसी किताब जरूर लिखवाएगा। बादशाह ने उसी वक्त अपने शाही हकीम को बुलवाया और उससे कहा, हकीम साहब, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी किताब लिखें जिसमें सभी इंसानी बीमारियों की जानकारी और उनका इलाज लिखा हो। शाही हकीम ने कहा, सरकार, मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसी किताब तैयार करूं जैसी कि आप चाहते हैं। वो सचमुच ही एक अनमोल किताब होगी। मुझे ऐसी किताब लिखने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। तुम्हें 1 साल लगे या 2 साल लगे या फिर उससे ज़्यादा, बस तुम मेरे लिए ऐसी किताब लिखकर जरूर ले आओ। बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने का मैं वादा करता हूँ। हकीम साहब वहाँ से रवाना हो गए। बादशाह अब बहुत ही खुश था कि एक ऐसी अनमोल किताब उसके पुस्तकालय की शान बढ़ाएगी और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी साबित होगी। शाही हकीम अपने घर पर पहुंचा और बादशाह के आदेश के मुताबिक किताब लिखना शुरू कर देता है। इस काम के लिए हकीम साहब ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया ताकि उनके काम में कोई अड़चन ना ला सके। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के लोगों से भी बहुत ही कम मिलते थे। सिर्फ खाना खाने के लिए ही वो कमरे से बाहर आते। उनके परिवार के लोग भी उनका पूरा सहयोग करते थे कि हकीम साहब को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हकीम साहब के परिवार में उनका बेटा और बेटी थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। हकीम साहब ने जब किताब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले उन सभी बीमारियों के नाम इकट्ठा किए जो किसी भी आदमी को हो सकती हैं। उसके बाद उन बीमारियों के इलाज और उनके परहेज लिखने का समय आया तो उन सभी जड़ी बूटियों के नाम लिखे जो दवा के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इस किताब के लिखने में हकीम साहब को 1.5 साल का समय लगा। किताब पूरी होने पर हकीम साहब बहुत ही खुश थे। आज उनकी मेहनत रंग लाई थी। किताब को ठीक से जिल्द चढ़वा कर हकीम साहब बादशाह के दरबार में जाने के लिए तैयार हुए। हकीम के बेटे और बेटी ने भी उन्हें बधाइयां दी और उनकी खुशी में शामिल हुए। किताब लेकर हकीम साहब बादशाह के दरबार में पहुंचे। हकीम ने जब किताब बादशाह को दी और उसे किताब के बारे में पूरी जानकारी दी तो बादशाह बहुत ही खुश हो गया। बादशाह इतना खुश था कि उसने हकीम साहब को माला माल कर दिया। शाही हकीम भी बहुत ही खुश थे कि उनकी मेहनत से भी कहीं ज्यादा इनाम उन्हें दिया गया और उससे भी ज्यादा आदर सत्कार मिला। सबसे बड़ी खुशी उन्हें इस बात की थी कि उनकी लिखी हुई किताब एक सच्चे कदरदान के पास गई है। बादशाह ने किताब को अपने पुस्तकालय में रख लिया। इस बात को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि शाही हकीम का देहांत हो गया। एक दिन बादशाह को अचानक उस किताब की याद आई। बादशाह ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि वो तुरंत उस किताब को लेकर आए। नौकर ने किताब लाकर बादशाह को दी। बादशाह बड़े ही शौक से उस किताब को पढ़ने लगा। बादशाह को शुरू से ही किताब बहुत ही पसंद आई। किताब बड़ी ही आसान भाषा में लिखी गई थी। क्योंकि बादशाह को किताबें पढ़ने का शौक था
तो वो बड़ी ही बारीकी से उस किताब को पढ़ने लगा। बादशाह ने पहले बीमारियों के बारे में पढ़ा, फिर उनके इलाज को गौर से देखा और बीमारियों के इलाज में जिन बातों का परहेज था उन्हें भी बड़े ही गौर से पढ़ा। आखिर वो एक ऐसे पन्ने पर पहुंचा जिसमें लिखा था कि क्या क्या चीजें खाने के बाद किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए। उसके बाद लिखा था कि अगर दोनों चीजें एक साथ खा ली जाएं तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और इंसान को क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। ये बात पढ़कर बादशाह बहुत ही हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग चीजें खा लेने से आदमी बीमार पड़ जाए। एक जगह पर लिखा था कि तरबूज खा लेने के बाद अगर दूध पी लिया जाए तो पेट की अंतड़ियों के दर्द का खतरा पैदा हो जाता है। बादशाह को ये बात नामुमकिन सी लगी। उसने सोचा कि शायद हकीम साहब से लिखने में कुछ गलती हुई है। अब हकीम साहब तो इस दुनिया में नहीं है जो इस बात की सफाई दे सकें। फिर क्यों ना उनके बेटे को बुलाकर इस बारे में बात की जाए। सुना है वो अपने पिता की ही तरह हुनर के माहिर हैं। तभी पता चलेगा कि हकीम साहब की ये बात किस हद तक सही है। बादशाह अपने सोने के कमरे में चला गया, परंतु रात भर वो इस बारे में ही सोचता रहा। उसकी रात करवटें बदलते हुए ही गुजरी। सुबह होते ही बादशाह ने अपने सिपाहियों को हकीम के बेटे को लाने के लिए भेज दिया। बादशाह के सिपाहियों को अपने घर पर देखकर एक बार तो हकीम का बेटा घबरा सा गया कि आखिर इतने समय के बाद बादशाह ने उसे क्यों बुला भेजा है। परंतु बादशाह के हुक्म को टाला नहीं जा सकता था। दिल को मजबूत करके वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर बादशाह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि हमें तुम्हारे पिता की लिखी हुई किताब के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्योंकि तुम भी उन्हीं की तरह ही एक अच्छे हकीम हो तो जरूर मेरी उस उलझन को दूर कर सकते हो। फिर बादशाह ने सारी बात हकीम के बेटे को बता दी। हकीम के बेटे ने कहा, हजूर आप तो जानते हैं कि मेरे पिता एक बहुत ही लायक और अनुभवी हकीम थे। उन्होंने जो कुछ भी किताब में लिखा है वो अपने अनुभव के आधार पर ही लिखा है। बादशाह ने कहा, ये बात तो तुम्हारी सच है और हम भी तुम्हारे पिता की बहुत ही इज्जत करते हैं, परंतु फिर भी हम इस बात को हकीकत में आजमाना चाहते हैं। हकीम के बेटे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हजूर, आप सुबह किसी आदमी को महल में बुलाइए और उसे सुबह के समय ही ये दोनों चीजें यानी तरबूज और दूध एक के बाद एक खिलाइए। जो भी इसका परिणाम होगा वो आपकी आंखों के सामने ही होगा। बादशाह को उसकी सलाह सही लगी। सुबह होते ही बादशाह ने शहर में ये घोषणा करवा दी कि इस काम के लिए एक आदमी की जरूरत है। जो भी आदमी इस काम के लिए आएगा उसे इनाम भी दिया जाएगा, परंतु साथ ही साथ उसके बीमार हो जाने का खतरा भी है। वैसे तो इनाम का लालच सभी लोगों के मन में था, परंतु बीमार हो जाने के खतरे की बात सुनकर कोई भी महल में नहीं आया। शाम होते होते एक किसान जो कि बहुत ही तंदुरुस्त और मेहनती था वो बादशाह के पास हाजिर हुआ। बादशाह ने हकीम साहब के बेटे को भी बुला भेजा। फिर किसान से पूछा कि एक बार फिर से सोच लो, इस काम के बाद तुम बीमार भी पड़ सकते हो। तो किसान ने फिर से अपनी रजामंदी दे दी। बादशाह ने हुक्म दिया कि किसान को पहले तरबूज खिलाया जाए और फिर दूध पिलाया जाए ताकि वो देख सकें कि ऐसा करने से पेट में दर्द होता है या नहीं। बादशाह के हुक्म को फौरन पूरा किया गया और नौकर तरबूज लेकर आए। किसान को पहले तरबूज खिलाया गया। उसके दो मिनट के बाद किसान को गर्मा गर्म दूध पिलाया गया। फिर एक मिनट गुजरा, दो मिनट गुजरे, फिर पांच मिनट गुजरे, यहां तक कि आधा घंटा गुजर गया, लेकिन किसान पर किसी तरह का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। हकीम के बेटे ने किसान से पूछा कि तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। किसान ने कहा, हजूर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ना तो किसी तरह की कोई तकलीफ है
ना कोई दर्द और ना कोई परेशानी है। ये बात सुनकर बादशाह ने हकीम के बेटे की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने ये बड़ी ही अजीब बात लिख दी। अब तुमने भी देख लिया कि किसान पर इन दोनों चीजों का कोई असर नहीं हुआ। बादशाह की बातें सुनकर हकीम का बेटा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो बोला, बादशाह सलामत, मुझे 3 महीने का वक्त दिया जाए। इन 3 महीनों में ये किसान मेरे पास रहेगा। 3 महीने के बाद मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। बादशाह को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने किसान से कहा कि इन 3 महीनों तक किसान और उसके परिवार का पालन पोषण का जिम्मा बादशाह पर ही रहेगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिस चीज की भी जरूरत होगी वो मैं पूरी करूंगा। किसान भी इस बात पर राजी हो गया। हकीम का बेटा किसान को अपने साथ अपने घर पर ले गया और उसी दिन से किसान के दिन पलट गए। उसे खाने में एक से बढ़कर एक लजीज पकवान मिलने लगे, या यूं कहें कि खाने में उसे राजसी भोग मिलने लगे। सोने के लिए उसे नर्म और मुलायम बिस्तर दिया गया। उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। हर काम के लिए एक अलग नौकर रखा गया था। अब तो किसान बहुत ही आराम और सुकून की जिंदगी बिताने लगा। जब खाने का वक्त होता तो उसे बड़े ही लजीज पकवान दिए जाते। किसान ने कभी सोचा भी ना था कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे स्वादिष्ट खाने भी खा सकेगा और ऐसी आरामदायक जिंदगी बिता सकेगा। दूसरी तरफ उसके परिवार का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा था। आखिरकार 3 महीने का समय पूरा हो गया। हकीम के बेटे ने सोचा कि इन 3 महीनों में किसान में काफी बदलाव आ गया है, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने एक रात अपने नौकर को हुक्म दिया कि किसान के पलंग की चादर के नीचे थोड़े से राई के दाने बिखेर दिए जाएं, जिसका कि किसान को भी पता ना चले। फिर ये देखा जाएगा कि किसान को नींद आती है या वो बेचैन रहता है। नौकर ने ऐसा ही कर दिया। जब सोने का वक्त हुआ तो किसान अपने पलंग पर लेट गया। उसने महसूस किया कि उसके बिस्तर में कुछ चीज उसे चुभ रही है। वो जिस तरफ भी करवट लेता उसका यही हाल होता। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ नजर भी ना आ रहा था। उसने सारी रात बड़ी ही बेचैनी और जागते जागते काटी। दिन निकला तो उसने चैन की सांस ली। सुबह होते ही हकीम साहब के बेटे ने पूछा, क्यों भाई, रात कैसी कटी? किसान ने कहा, हकीम साहब कुछ ना पूछिए, रात बड़ी ही बेचैनी से गुजरी। सारी रात मुझे कमर के नीचे कुछ चुभ सा रहा था। मेरी तो सारी रात आंख नहीं लगी। ये सुनकर हकीम मन ही मन में मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब इस आदमी का मिजाज बदल चुका है। आरामदायक जिंदगी ने इसकी तबीयत बदल दी है। जो किसान पूरा पूरा दिन धूप में अपने खेतों में काम करने पर भी उफ तक ना करता था, आज इतना नाजुक हो गया है कि राई के बारीक दाने भी इसे पत्थर की तरह चुभने लगे हैं। कुछ सोचकर हकीम के बेटे ने कहा, तुम कल के लिए तैयार रहना, हम बादशाह के महल में जाएंगे। अगले ही दिन बादशाह के सामने वो दोनों पेश हो गए। बादशाह ने कहा, हाँ तो जनाब, कैसे आना हुआ? हजूर, आप इस किसान की फिर से वही परीक्षा लीजिए जो 3 महीने पहले आपने ली थी। बादशाह तो मानो इसी के इंतजार में बैठा था। उसने फौरन दूध और तरबूज मंगवा लिया। जब दोनों चीजें लाई गई तो किसान को पहले तरबूज खिलाया गया, फिर दूध पिलाया गया। अभी 1 मिनट भी पूरा ना गुजरा था कि किसान के पेट में जोर का दर्द शुरू हो गया और वो तकलीफ के कारण तड़पने लगा। बादशाह ये देखकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने हकीम के बेटे से पूछा, ये सब क्या माजरा है? हकीम के बेटे ने कहा, हजूर, मेरे पिता ने ये नुस्खे बहुत ही सोच समझ कर लिखे थे। किताब में ज्यादातर नुस्खे बादशाहों के लिए लिखे गए हैं और जो बातें लिखी गई हैं वो शाही लोगों के हिसाब से लिखी गई हैं। अब उस किसान की बात सुन लें। पहले ये किसान बहुत ही मेहनती था, मेहनत मशक्कत किया करता था। तब इसका हाजमा, लक्कड़ हजम,
पत्थर हजम था, लेकिन जब से उसे आरामदायक जिंदगी दी गई है, नरम मुलायम बिस्तर उसे दिया गया है, तब से वो बहुत ही नाजुक मिजाज हो गया है। रात्रि भोग खा खा कर इसका हाजमा पहले जैसा नहीं रहा। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया कि इस तरबूज और दूध ने उस पर कितनी जल्दी असर कर दिया और ये तकलीफ की वजह से तड़पने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसके आलसीपन और मेहनत ना करने का परिणाम है। किसान जब तक मेहनत करता रहा और साधारण जिंदगी बसर करता रहा तो वो बीमारियों से दूर रहा, लेकिन जब से उसने मेहनत छोड़ी और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगा, तब से उसकी तबीयत में बड़ी ही नजाकत आ गई है और ये बहुत जल्दी ही बीमार हो गया। बादशाह को हकीम के बेटे की बात समझ में आ गई। उसने सबसे पहले किसान के इलाज का हुक्म दिया। थोड़े से ही इलाज के बाद किसान एकदम स्वस्थ हो गया तो बादशाह ने उसे इनाम देकर विदा किया। साथ ही साथ हकीम के बेटे को भी इनाम देने के साथ साथ उसे अपना शाही हकीम बना लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आलसीपन इंसान को कमजोर और बीमार बना देता है, जबकि मेहनती इंसान जीवन में खुश तो रहता ही है, साथ ही साथ वो स्वस्थ भी रहता है।